बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटो पीरियडिज्म के बारे में कि इस फोटो पीरियडिज्म के पीछे का मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ रिस्पॉन्सिबल है जिसे हम बोलते हैं फाइटोक्रोम। ठीक है, फाइटोक्रोम इज अ प्रोटीन। फाइटोक्रोम एक प्रोटीन है और इस प्रोटीन का नेचर क्या है, इट इज अ रिसेप्टर। कैसा रिसेप्टर? फोटो रिसेप्टर। क्योंकि हम बात कर रहे हैं फोटो पीरियडिज्म की, जिन बच्चों का दिमाग थोड़ा सा, बच्चों ने अगर दिमाग चलाया होगा तो सोचने में ये चीज आई होगी कि भाई प्लांट में रिसीव करने वाला कौन है। हम तो कह तो रहे हैं कि इतने घंटे की लाइट मिल रही है, इतने कम आवर्स की लाइट मिल रही है, लेकिन उस लाइट को रिसीव करने वाला भी कोई होना चाहिए। उस लाइट को रिसीव करने वाला जो प्रोटीन पाया जाता है प्लांट में, दैट इज अ फाइटोक्रोम। ओके, फाइटोक्रोम इज अ प्रोटीन जो कि प्लांट में पाया जाता है, एंड इट यूज टू एक्ट लाइक अ फोटो रिसेप्टर, यानी लाइट को रिसीव करेगा। ये मेनली फोटो रिसेप्टर तो है, लेकिन इसकी भी प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि ये दो टाइप के लाइट को ही रिसीव कर सकता है। पहला टाइप है दैट इज रेड रेड लाइट, ठीक है, एंड सेकेंड इज फार रेड लाइट। ऑल दो ये ब्लू लाइट को भी अब्सॉर्ब करता है, लेकिन अमाउंट बहुत ज्यादा कम होता है, वेरी वेरी लेस, मतलब माइनर बेसिस पे आप कह सकते हो कि ये लाइट को, ब्लू लाइट को रिसीव करता है। मेजर बेसिस पे इन दोनों पे करता है, जिसकी वेवलेंथ, रेड लाइट की वेवलेंथ आपको 665 से लेकर 668 तक देखने को मिल जाएगी, फार रेड लाइट की उससे अबव, यानी मोर देन 700 अगर आप मानते हो तब फार रेड लाइट आप देख, लाइक फार रेड लाइट की पूरी रेंज होती है। अब यहाँ तो आगे इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन, लेकिन इसका प्रॉपर्टी कैसे काम करता है जरा सा हम वो देख लेते हैं। एक्चुअल में फाइटोक्रोम एज बिकॉज इट इज अ प्रोटीन, लेकिन ये प्रोटीन फोटो रिवर्सिबल फॉर्म में पाया जाता है। वॉट इज द मीनिंग ऑफ फोटो रिवर्सिबल फॉर्म? दो फॉर्म होते हैं फाइटोक्रोम के, ठीक है, फाइटोक्रोम के यहाँ पे आपको मिलेंगे, दैट इज टोटल दो फॉर्म। एक फॉर्म का नाम है पी आर फॉर्म, दैट इज फाइटोक्रोम रेड फॉर्म, एंड दूसरे का नाम है पी एफ आर फॉर्म। मेक श्योर ये लाइट्स नहीं, ये लाइट नहीं है, दिस इज अ फाइटोक्रोम। अभी भी हमने लाइट के बारे में बात नहीं की है, दीज आर योर फाइटोक्रोम। सो पी आर इज अ फाइटोक्रोम रेड एंड पी एफ आर इज अ फाइटोक्रोम फार रेड। ये दोनों के दोनों फॉर्म क्या हैं? ये दोनों के दोनों फॉर्म आइसोमर माने जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि फाइटोक्रोम के दो फॉर्म हैं, दैट इज एक है आपके पास पी आर एंड दूसरा है पी एफ आर। दोनों को अगर कहें तो बोथ आर आइसोमर, यानी एक दूसरे में खुद को कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कन्वर्जन का रूल क्या है? कन्वर्जन का रूल जरा समझ लेते हैं। मान लीजिए दिन का टाइम है, ठीक है, दिन के टाइम में, या फिर हम कहते हैं कि इन एक्टिव फाइटोक्रोम जो प्रेजेंट रहता है प्लांट में वो होता है पी आर, फाइटोक्रोम रेड फॉर्म। ये इन एक्टिव माना जाता है, दिस इज इन एक्टिव, और ये पी आर फॉर्म जो है दैट इज रेड लाइट को रिसीव करके, दिन के टाइम में जो सन से रेड लाइट मिलती है, रेड लाइट को रिसीव करके ये कन्वर्ट हो जाता है पी एफ आर में, और पी एफ आर को हम एक्टिव फॉर्म मानते हैं। और पी आर को फाइटोक्रोम रेड क्यों कहा गया? क्योंकि ये रेड लाइट को रिसीव करता है, रेड लाइट फोटो रिसेप्टर है। एंड पी एफ आर क्या होता है? पी एफ आर इज अ फाइटोक्रोम फार रेड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये पर्टिकुलर फॉर्म सिर्फ और सिर्फ फार रेड लाइट को मेजर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाता है। तो हो क्या रहा है कि दिन के टाइम में रेड लाइट प्रेजेंट है, तो रेड लाइट ने पीआर को पीएफआर में चेंज कर दिया, और पीएफआर से पीआर में कन्वर्जन कब होता है? जब फार रेड लाइट प्रेजेंट होती है, फार रेड लाइट। लेकिन इनके प्रेजेंट रहने का ड्यूरेशन अलग अलग है। जैसे कि अगर हम बात करें तो रेड लाइट आपको देखने को मिलेगा दैट इज डे कंडीशन में, फार रेड लाइट आपको मेनली दैट इज डार्क कंडीशन में देखने को मिलेगा। ये जो कन्वर्जन है दैट इज पी आर टू पी एफ आर, ये कन्वर्जन बहुत ज्यादा फास्ट माना जाता है, और ये जो डार्क में कन्वर्जन हो रहा है ये बहुत ज्यादा स्लो होता है। हम इसको डार्क रिवर्जन भी कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये जो पी एफ आर है, अब आप खुद सोचिए कि दिन के टाइम में ये जो प्रोसेस हो रहा है वो इतना फास्ट हो रहा है, दैट मीन्स वॉट,
पीएफआर का एक्यूमुलेशन दिन के टाइम में बहुत ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू द कन्वर्जन अगर दिन का लेंथ बहुत ज्यादा है तो. तो बस आपको ये याद रखना है, यहाँ से सिर्फ यही चीज समझनी है कि पीआर से पीएफआर यानी फाइटोक्रोम रेड से फाइटोक्रोम फार रेड बनने के लिए रेड लाइट चाहिए और दिन के टाइम में रेड लाइट की अवेलेबिलिटी होती है जिसकी वजह से रेड लाइट के प्रेजेंस में पीआर पीएफआर में बदल जाता है. एंड दिन के टाइम में एज बिकॉज ये वाला प्रोसेस बहुत फास्ट देखा जाता है तो दिन के टाइम में पीएफआर का एक्यूमुलेशन बहुत हाई होता है और ये एक एक्टिव फाइटोक्रोम भी माना जाता है. पीएफआर फिर रात के टाइम में कन्वर्ट हो जाता है पीआर में और ये कन्वर्जन फार रेड लाइट की प्रेजेंस में होता है मेनली डार्क कंडीशन में एंड दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस. बस अब आपको ये दो चीजें अगर पता हैं तो आप आसानी से पूरा का पूरा मैकेनिज्म समझ जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग कैसे हो रही है जस्ट फॉर अ कंसिडरेशन. ओके, कंसिडर करके चलते हैं क्योंकि आज बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग डे प्लांट तो कंसिडर करके चलते हैं कि 16 घंटे की लाइट चाहिए. ठीक है, 16 आवर्स की लाइट चाहिए और जो लेफ्ट ओवर रह गया उसमें हम क्या मान लेते हैं दैट इज 8 आवर्स का उसको डार्क पीरियड मिल रहा है. ठीक है, अब आप बस ध्यान से सुनते रहिएगा कि ये चीजें कैसे हो रही हैं. सपोज कर लेते हैं यहाँ पे जैसे हमने कहा कि नॉर्मल इनएक्टिव फॉर्म फाइटोक्रोम का कौन सा होता है पीआर फॉर्म. ठीक है, तो पीआर फॉर्म ने क्या किया दिन के टाइम में क्या किया खुद को कन्वर्ट किया पीएफआर में. किसके प्रेजेंस में रेड लाइट की प्रेजेंस में, रेड लाइट की प्रेजेंस में खुद को कन्वर्ट किया पीएफआर में. लेकिन ये नहीं भूलना है कि ये जो रेड लाइट है वो कितनी देर तक मिलेगी इसको, दिन के टाइम में प्रेजेंट रहती है लगभग इसको 16 आवर्स के लिए रेड लाइट मिलेगी. अब आप खुद सोचिए पीएफआर का एक्यूमुलेशन कितना हाई हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा क्योंकि ये तो प्रोसेस भी बहुत ज्यादा फास्ट है. ठीक है, तो दिन की कहानी ये थी कि भाई 16 घंटे का लाइट मिला जिसकी वजह से जो है दैट इज पीएफआर में बदल गया पीआर बाय रिसीविंग द रेड लाइट और ये जो कन्वर्जन था पीआर टू पीएफआर ये बहुत ज्यादा हाई था. लेकिन पीएफआर से पीआर का कन्वर्जन रात में शुरू होगा यानी डार्क फेज में शुरू होगा और ये किसके प्रेजेंस में होगा दैट इज फार रेड लाइट की प्रेजेंस में होगा. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो रात का ड्यूरेशन है डार्क ड्यूरेशन वो कितने घंटे का है, सिर्फ 8 आवर्स का है. और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि ये प्रोसेस भी बहुत ज्यादा क्या है स्लो है. तो आप खुद सोचिए कि दिन के टाइम में क्या जितना भी पीएफआर बना क्या रात के टाइम में वो सारा पीएफआर पीआर में बदल पाएगा. आंसर इज नो, क्योंकि 16 घंटे में जो प्रोसेस इतना फास्ट हुआ है 8 घंटे में वो प्रोसेस स्लो यानी दैट इज कन्वर्जन जो है रिवर्जन स्लो हो रहा है और वो भी सिर्फ 8 घंटे के लिए. तो वेरी ऑब्वियस कुछ भी कर लो पीएफआर का अमाउंट अभी भी रह जाएगा. तो ये जो लेफ्ट ओवर रह जाएगा पीएफआर, लेफ्ट पीएफआर जो रह जाएगा इसी को हम मानते हैं कि ये जो पीएफआर है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग इन द लॉन्ग डे प्लांट. ठीक है, जो लेफ्ट ओवर पीएफआर है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट. तो इससे हमारे पास ये कंक्लूजन निकलता है कि पीएफआर एक्टिव पीएफआर ऑब्लिक द प्रेजेंस ऑफ पीएफआर इज प्रमोटिंग द फ्लावरिंग इन द लॉन्ग डे प्लांट. तो ये लास्ट पॉइंट में यहाँ पे कंक्लूजन लिखा गया है. उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी. अब बात करते हैं शॉर्ट डे प्लांट की, पूरी वही कहानी है बस जो कंसिडरेशन है वो यहाँ पलट जाएगा. कैसे हो जाएगा, हम अब यहाँ पे कंसिडर उल्टा करेंगे क्योंकि शॉर्ट डे प्लांट्स को क्या चाहिए, शॉर्ट डे प्लांट्स को लाइट का अमाउंट कम चाहिए. तो हम मान लेते हैं कि लाइट का ड्यूरेशन सिर्फ 8 घंटे का है, पिछले वाले कंडीशन को हम रिवर्ट कर देते हैं एंड यहाँ पर जो डार्क कंडीशन है वो होने वाली है दैट इज 16 आवर्स की. तो क्या होगा देख लेते हैं. पीआर जो है पीआर दिन में रेड लाइट की प्रेजेंस में खुद को कन्वर्ट कर देगा पीएफआर में. ठीक है, कब दैट इज रेड लाइट की प्रेजेंस में दिन के टाइम में. और दिन का लेंथ कितना है, दिन का लेंथ है सिर्फ और सिर्फ 8 आवर्स का. जितना भी होगा लेकिन पीएफआर का तो एक्यूमुलेशन होगा क्योंकि एक तो फास्ट प्रोसेस है और इसके बाद दिन के टाइम में हो रहा है तो इसका होना ही है दैट इज अच्छा खासा एक्यूमुलेशन. लेकिन रात के टाइम में ये कन्वर्ट बैक हो जाएगा कहाँ पे, पीआर में. किसके प्रेजेंस में, फार रेड लाइट के प्रेजेंस में. लेकिन यहाँ आ गया ट्विस्ट,
क्योंकि आज बिकॉज डार्क ड्यूरेशन इस बार बहुत लॉन्ग है, लॉन्ग इसलिए है क्योंकि ये शॉर्ट डे प्लांट्स है, डार्क ड्यूरेशन ज़्यादा चाहिए, तो कितना भी फास्ट प्रोसेस दिन का रहा हो, लेकिन आज बिकॉज डार्क ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो भले ही ये प्रोसेस स्लो क्यों ना काम करे, बट देर इज़ अ हाइएस्ट चांसेस कि धीरे धीरे ही करके, लेकिन 16 घंटे के डार्क पीरियड में जितना भी PFR बना है, मैक्सिमम PFR का कन्वर्जन PR में हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि देर शुड बी लेस और देर शुड बी नो PFR प्रेजेंट। तो हम कहेंगे लो ऑब्लिक नो PFR नहीं रहेगा, क्योंकि लगभग 16 घंटे का टाइम मिला उसको कन्वर्जन करने का, तो मैक्सिमम चांसेस है कि ये कर देगा, पूरा का पूरा रिवर्ट कर देगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इज हम ये कह सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ PFR इज प्रमोटिंग फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट, फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट, राइट। हम ये कंक्लूजन यहाँ से निकाल सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ PFR, ये रहा आपका कंक्लूजन। जो बातें मैं बता रही हूँ यहाँ पे, मैंने सारी बातें आपको नोट्स के तौर पे लिखी हुई हैं। जब ये नोट्स आपको मिलेगा तो आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन समझना सबसे पहले ज़रूरी है। तो जो बातें यहाँ लिखी हैं इसी को मैं यहाँ पे डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाती जा रही हूँ ताकि आप विजुअलाइज कर सकें। तो हम कह सकते हैं कि लो ऑब्लिक नो PFR इज प्रमोटिंग फ्लावरिंग इन द शॉर्ट डे प्लांट। ओके, तो ये हुई कहानी, राइट। तो अब अगर हम नॉर्मली बेसिस पे कहें दोनों के दोनों पोर्शन में, तो यहाँ पे आती है दो चीज। कौन सी चीज? कि अगर हम शॉर्ट डे प्लांट को रेड लाइट अगर देते हैं, रेड लाइट, तो क्या होगा? शॉर्ट डे प्लांट के डार्क फेज में अगर हम उसको रेड लाइट देंगे तो क्या हो जाएगा? आपको पता है रेड लाइट क्या करेगा? रेड लाइट जो है और ज्यादा PFR का कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। तो हम ये कहेंगे कि अगर एक शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग तब होगी जब वहां पे PFR प्रेजेंट नहीं रहेगा, लेकिन अगर हमने उसके डार्क फेज को रेड लाइट से डिस्टर्ब कर दिया तो वो फिर से PFR दैट इज प्रोड्यूस कर देगा, और इतनी मुश्किल से शॉर्ट डे प्लांट्स दैट इज डार्क फेज में सारे के सारे PFR को कन्वर्ट करने में लगा था PR में। तो अगर हमने रेड लाइट से उसका नाइट ब्रेक कर दिया तो देखने को ये मिलता है कि PFR का अमाउंट फिर से बढ़ जाता है, और वो प्लांट क्या करेगा? अगर PFR का अमाउंट बढ़ गया तो क्या शॉर्ट डे प्लांट फ्लावरिंग करेगा? आंसर इज नो, नो फ्लावरिंग, राइट। और इसी शॉर्ट डे प्लांट को अगर हम दैट इज योर फार रेड लाइट दे दें तो क्या होगा? देर इज अ हाइएस्ट चांसेस, फार रेड लाइट क्या करते हैं? PFR के कंसंट्रेशन को कम करते हैं, क्योंकि ये रिवर्ट बैक में ले जाते हैं PR की तरफ। तो हम देखेंगे कि यस, इसमें फ्लावरिंग हो सकती है। तो अगर शॉर्ट डे प्लांट को अगर आप रेड लाइट दोगे तो वो फ्लावरिंग को नहीं करवाएगा, और अगर फार रेड लाइट दोगे तो वो फ्लावरिंग करवाएगा। लेकिन लॉन्ग डे प्लांट में ये पूरा उल्टा केस होता है। क्यों उल्टा होता है? क्योंकि वेरी ऑब्वियस, लॉन्ग डे प्लांट का जो मैकेनिज्म है वो अलग काम करता है। लॉन्ग डे प्लांट को अगर आप रेड लाइट दोगे तो वेरी ऑब्वियस वो PFR का कंसंट्रेशन बढ़ा देगा। रेड लाइट, PFR हाई होगा तो आपको पता है लॉन्ग डे प्लांट रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ PFR फॉर द फ्लावरिंग। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ फ्लावरिंग होगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि इसी लॉन्ग डे प्लांट को अगर आपने फार रेड लाइट दे दिया तो क्या हो जाएगा? फार रेड लाइट का काम होता है PFR को लो करना। PFR को लो कर देंगे तो कैसे चलेगा? लॉन्ग डे प्लांट को तो PFR की जरूरत पड़ती है फ्लावरिंग के लिए, तो देखा जाता है कि यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं होती है। बस अब मेरे ये चार पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं, तो ये जो यहाँ पे ग्राफ मैंने दिखा रखा है एक ढंग से, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, शॉर्ट डे प्लांट का ये रहा, लॉन्ग डे प्लांट का ये रहा। अब अगर आप ये टीनेट देखेंगे तो ये टीनेट किसका? ये मेनली आपको दिख रहा है लॉन्ग डे प्लांट का, क्योंकि 12 घंटे से ज्यादा की लाइट यहाँ पे दिख रही है। तो 12 घंटे से ज्यादा की लाइट है, डार्क फेज कम है, तो क्या होगा? शॉर्ट डे प्लांट वेजिटेटिव रहेगा, लॉन्ग डे प्लांट फ्लावरिंग कर जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हमने डार्क फेज को 12 घंटे से ज्यादा का बढ़ा दिया, तो वेरी ऑब्वियस अब शॉर्ट डे प्लांट फ्लावरिंग कर जाएगा, लॉन्ग डे प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा, वेजिटेटिव ही रह जाएगा, क्योंकि इसको 12 घंटे से ज्यादा की लाइट नहीं मिल रही है। अब आते हैं नेक्स्ट, जो ट्विस्ट शुरू होता है। हमने डार्क फेज में जो है यहाँ पे रेड लाइट से ब्रेक कर दिया नाइट को। दिस रेड बार इज फॉर रेड लाइट एंड ब्लू बार इज फॉर द फार रेड लाइट। रेड लाइट से हमने ब्रेक कर दिया, तो अभी हमने कहा कि अगर शॉर्ट डे प्लांट का डार्क फेज अगर आप रेड लाइट से ब्रेक करोगे, सी दिस हियर,
तो वो क्या करेगा, वेजिटेटिव फॉर्म में रह जाएगा, फ्लावरिंग नहीं करेगा। जबकि ये काम पूरा उल्टा होगा किसमें, लॉन्ग डे प्लांट में, वो तो फ्लावरिंग कर जाएगा क्योंकि रेड लाइट प्रमोट पीएफआर एंड लॉन्ग डे प्लांट जस्ट लव पीएफआर सो दैट दे कुड फ्लावर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रेड लाइट दिया हमने, फिर हमने क्या किया, फार रेड लाइट दे दिया। तो जब ऐसे कहानी आते हैं तो हमेशा आपको याद रखना है कि आखिरी लाइट कौन सी दी गई। यहाँ पे आखिरी लाइट कौन सी है, पी दैट इज योर फार रेड लाइट है, तो आखिरी लाइट जो होगी वही रेगुलेट करेगी। तो यहाँ पे आखिरी लाइट कौन सी है, फार रेड है। अभी हमने कहा था कि शॉर्ट डे प्लांट्स में फार रेड फ्लावरिंग करवाता है, तो देख लीजिए फ्लावरिंग करवा रहा है। लॉन्ग डे प्लांट में दैट इज योर फार रेड लाइट फ्लावरिंग को रोकता है और ये वेजिटेटिव ही रह जाएगा। अगेन रेड लाइट दिया गया, उसके बाद फिर फार रेड लाइट दिया गया, अगेन फिर रेड लाइट दिया गया। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आखिरी लाइट कौन सी थी, रेड लाइट थी। और रेड लाइट शॉर्ट डे प्लांट में वेजिटेटिव फेज मेंटेन करती है, फ्लावरिंग नहीं होने देती है, जबकि लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग करवाती है। लास्ट रेड लाइट, फार रेड लाइट, रेड लाइट, फार रेड लाइट। आखिरी लाइट कौन सी है, फार रेड लाइट, अभी बताया आपको। शॉर्ट डे प्लांट में अगर फार रेड लाइट आखिरी होगी तो कैसे काम करेगी, फ्लावरिंग करवाएगी, एंड लॉन्ग डे प्लांट में वो वेजिटेटिव फेज में ही रखेगी। और एक बढ़िया सा ट्रिक सीखना है, सीधी सी बात है, रेड लाइट को जब हमने डार्क फेज में दिया तो इसने काम बिगाड़ दिया। काम बिगाड़ दिया मतलब शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं होगा, लॉन्ग डे प्लांट में होगा। लेकिन रेड लाइट ने जितना काम बिगाड़ा था, हमने उसी के बराबर का फार रेड लाइट दे दिया, जिससे कि अप्रोक्स बैलेंसिंग हो गई आप कह सकते हो। तो रेड लाइट को कैंसिल आउट कर दिया गया फार रेड लाइट से। थर्ड नेक्स्ट देखिए, रेड लाइट, फिर फार रेड लाइट, फिर रेड लाइट। ठीक है, तो रेड लाइट का इफेक्ट फार रेड लाइट ने क्रॉस कर दिया था, फिर से रेड लाइट हमने दे दिया, तो इसका इफेक्ट कोई कैंसिल करने के लिए नहीं है। तो आपको शॉर्ट डे प्लांट में वेजिटेटिव फेज देखने को मिल रहा है, लॉन्ग डे प्लांट में अभी भी फ्लावरिंग फेज देखने को मिल रहा है। लास्ट रेड लाइट दिया, कैंसिल आउट हुआ फार रेड लाइट के थ्रू, फिर रेड लाइट दिया, फिर कैंसिल आउट हुआ फार रेड लाइट के थ्रू, तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे मान लीजिए नॉर्मल शॉर्ट डे प्लांट का टीनेट हो, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यहाँ पे फ्लावरिंग देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके साथ हमने फोटो पीरियडिज्म का टॉपिक कंप्लीट कर लिया, आई होप सो। यस, ओके, चलिए आखिर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाता है, दैट इज सीओ जीन, कॉन्स्टेंस जीन। कॉन्स्टेंस जीन एक ऐसा जीन है जो कि लाइट स्टेबल माना जाता है। और आपको पता है अगर हम बात करते हैं लॉन्ग डे प्लांट की एंड शॉर्ट डे प्लांट की, तो सबसे ज्यादा लाइट लेने वाले प्लांट कौन से होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। और अभी हमने कहा कि सीओ जीन लाइट स्टेबल है, मतलब सीओ का अमाउंट बहुत हाई रहेगा इन केस ऑफ अ एलडीपी, एंड सीओ का अमाउंट बहुत ज्यादा लो रहेगा इन केस ऑफ अ एसडीपी, बिकॉज सीओ इज अ प्रोटीन विच इज स्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और ये सीओ जीन का काम क्या होता है, अगर आपको याद हो, दैट इज इन द एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, हमने ये देखा था कि फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन क्या कर रही थी, ये जीन जो है दैट इज योर वेजिटेटिव फेज से फ्लावरिंग फेज में एंटर करवा रही थी। ये सीओ जीन क्या करता है, ये सीओ जीन इसी जीन का ट्रांसक्रिप्शन करता है और वेजिटेटिव से फ्लावरिंग फेज में एंटर करवाने में हेल्प करता है। बिकॉज हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे थे फ्लावरिंग कंडीशन। फ्लावरिंग के लिए तीन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, पहले ही लेक्चर में मैंने बात किया था, दैट इज लाइट, टेम्परेचर एंड जीन। जीन से रिलेटेड हमने लाइक थ्योरी डील कर लिया, टेम्परेचर से रिलेटेड डील कर लिया, एंड दिस वॉज दी दैट इज योर लाइट। तो इसके साथ हमने पूरा फ्लावरिंग कंडीशन डील कर लिया। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और लॉन्ग डे प्लांट का बेस्ट एग्जाम्पल होता है दैट इज अरेबिडोप्सिस। तो अरेबिडोप्सिस में सीओ जीन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई पाया जाता है। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद फोटोपीरियडिज्म। अगले वीडियो में अगेन हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ आपके साथ जो है बात करेंगे।